नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे रसायन विज्ञान के बारे में, केमिस्ट्री जीके को देख रहे थे। तो इसमें हम लोग 18 चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं। 18वां चैप्टर था रासायनिक वियोजन। इसमें बात करने वाले हैं विभेद, देखते हैं। ठीक है, याद रखिए जितना भी हम लोग ख़त्म कर चुके हैं वो सब जनरल साइंस के नाम की प्लेलिस्ट सूची में डला हुआ है। मक्खन किस प्रकार का कोलाइड है तो याद रखना, जल वसा में परिक्षिप्त। कपड़े धोने का साबुन क्या है? प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले उच्चतर वसा अम्ल से बने सोडियम लवणों का मिश्रण। संश्लेषित डिटर्जेंट क्या है? एरोमेटिक और एलिफेटिक सल्फोनिक अम्ल से बने सोडियम लवणों का मिश्रण। कठोर जल में साबुन की झाग क्यों नहीं बनते? क्योंकि उच्च वसा अम्ल के कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण जल में आघुलनशील होते हैं। तेल वसा की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया क्या कहलाती है? किण्वन। जंतुओं द्वारा कौन सी औषधि प्राप्त होती है? एंटीटॉक्सिन। क्वार्टजाइट किसका कायांतित रूप होता है? बलुआ पत्थर का। एंजाइम क्या है? नाइट्रोजन युक्त जटिल यौगिक। किस प्रकार के तत्व उत्तम उत्प्रेरक सिद्ध होते हैं? संक्रमण तत्व। ठीक है, एक द्रव के वाष्पन प्रक्रम के साथ क्या परिवर्तित होता है? एंट्रोपी। कोका कोला जैसे शीतल पेय में काफ़ी मात्रा में क्या होता है? टैनिन। शरीर में निर्जलन के समय जो पदार्थ त्यागा जाता है वह क्या है? सोडियम क्लोराइड। कौन सा पदार्थ रबड़ के टायरों में पूरक के रूप में उपयुक्त होता है? कार्बन ब्लैक। कौन सा एंजाइम स्टार्च को अपचायक शर्करा में जल अवघटित कर देता है? एमाइलेज। शरीर में सोडियम तथा पोटेशियम आयनों की भूमिका शरीर में किसे संतुलित करने के लिए होती है? परासरण दाब। पौधे कार्बन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। समुद्र के जल से साधारण नमक किस विधि द्वारा प्राप्त कर सकते हैं? वाष्पन। समुद्र के जल से शुद्ध जल किस विधि द्वारा प्राप्त कर सकते हैं? आसवन। आलू में सबसे अधिक क्या होता है? मंड। ग्रीन हाउस प्रभाव यह नाम किस वैज्ञानिक ने दिया? स्वांटे अरहीनियस। सूर्य की किरणों का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? अवरक्त किरण। फलों के परिरक्षण के लिए चीनी का घोल क्यों प्रयोग में लाया जाता है? नमी अवशोषित हो जाती है जिससे सूक्ष्म जीवों की समृद्धि रुक जाती है। जीवाणुनाशक क्रेमेक्सिन का सूत्रीकरण किस पर आधारित है? ब्रेंजीन हेक्सा क्लोराइड। DDT किनकी अभिक्रिया से प्राप्त होता है? 2,2,2 ट्राइक्लोरो एसिटिलीहाइड क्लोरोबेंजीन की। विटामिन ए क्या है? एक्सोरोफाइटोइल। पेट्रोल किसका मिश्रण है? एल्केन। फिनॉल से प्राप्त विस्फोटक का नाम क्या है? पिक्रिक अम्ल। पारा 0°C पर फिर द्रव बना रहता है, इसका क्या कारण है? बहुत उच्च आयनन ऊर्जा तथा क्षीण धात्विक बंध। वायु के प्रमुख अवयवों का बहुतायात में सही वृद्धि क्रम क्या है? आर्गन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। पौधे के पुष्पन के लिए उपयोगी तत्व कौन सा है? फॉस्फोरस। न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? कोई आवेश नहीं होता है। किस वैज्ञानिक के नियम के अनुसार किसी परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉन की 4 क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती? पाउली। किसी परमाणु के गुण किस पर निर्भर करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। खाद्य तेलों को किस प्रक्रिया से वनस्पति घी में
बदला जा सकता है हाइड्रोजनीकरण। ठीक है, आगे देखते हैं। विद्युत संयोजक यौगिक में क्या परिवर्तन होता है? इलेक्ट्रॉन एक परमाणु से दूसरे परमाणु में आसानी से स्थानांतरित हो जाते हैं। विखंडन अभिक्रिया में तत्व के नाभिक पर क्या प्रभाव पड़ता है? टूटकर दो छोटे नाभिक बनाता है तथा कुछ मौलिक नाभिकीय कणों को घटा देता है। कृत्रिम रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की थी? एफ जूलियट व आई क्यूरी ने। ठीक है, बात करेंगे हम लोग आगे रसायन सार संग्रह के बारे में, संग्रह। ठीक है, देखें।